नाज़रीन, हर काम को करने की एक एज होती है, अगर वो काम उस एज से पहले किया जाए तो उसकी एक सजा भी होती है। लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग इनको बारहा दफ़ा ब्रीफिंग कर करके स्कूलों और कॉलेजेस में लेक्चर दे दे के थक गए, लेकिन ये इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। जिससे बाइक मांगी थी, साथ हेलमेट भी मांग लेते। 50,000 की बाइक दे दी है मेरे भाई को, 5,700 का हेलमेट भी दे देता हूँ। 6 लोगों की जिंदगी दांव पे लगा के ये शहर का मेन सिटी एरिया जहाँ पे ये चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस लॉ के साथ मैं उमर बख्श। नाज़रीन, हर काम को करने की एक एज होती है, अगर वो काम उस एज से पहले किया जाए तो उसकी एक सजा भी होती है। लाहौर में भी सजाएं मिल रही हैं, लेकिन उन लोगों को जो टीन एजिंग ड्राइविंग कर रहे हैं, उन बच्चों को जो टीन एजर्स हैं, उनको ट्रैफिक पुलिस एक सर्टिफिकेट दे रही है। वो सर्टिफिकेट क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम टू द शो। क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा, क्या एज है? 16 साल है। 16 साल जी। बाइक चलाने के लिए आपको इजाज़त है? नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बने? नहीं बना। क्यों चला रहे हो? भाई को रास्ते का नहीं पता था, इस वजह से। तो रास्ते का नहीं पता तो किसी से पूछ लेते, मोबाइल से गूगल एप्लीकेशन ऑन कर लेते। क्यों चला रहे हो बाइक? बस भाई को पता नहीं था, इस वजह से। इंस्पेक्टर साहब, क्या होगा इनका? ये भाई साथ है, ये कह रहे मुझे रास्ते का नहीं पता। नहीं रास्ते का मुझे पता नहीं है भाई। आपको रास्ते का उनको नहीं पता, आप बाइक चला लें। सर जी मुझे पता नहीं, मैं पहली दफा इधर आया हूँ। तो भाई आप चला लें, वो पीछे बैठ जाएगा। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो फिर? तो अगर ये बच्चा चला रहा है, सर जी मुझे चांस ज्यादा है। प्लीज सर जी मुझे पता नहीं, गाड़ी का अगर आपको रास्ते का नहीं था पता तो ये बच्चे को पता है ना, ये पीछे बैठ के आपको बता सकता है कि लेफ्ट हो जाए या राइट हो जाए, ऐसा मुमकिन है ना? तो फिर आप चला लेते। ये तो नहीं है कि आपको रास्ते का नहीं पता तो बच्चे को आगे। सर जी गलती होगी, हम ऐसा नहीं अभी करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जनाब के लिए चलान कर रहे हैं और गाड़ी बंद कर रहे हैं। ये बच्चा है तो ये बच्चा ये कौम का ममार है, लेकिन जब ये बाइक चलाएगा और खुदा ना खासा अगर इसका एक्सीडेंट होता है तो ना सिर्फ ये बल्कि पूरा खानदान उजड़ जाएगा। ये कंपेन बहुत जरूरी है और ये कंपेन आप देख रहे हैं। वन वे आ रहे थे, इनको बारहा दफा समझाया। वन वे, दूसरा बच्चे। ये है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अली। अली पढ़ते हैं? हेलमेट भी इनके पास नहीं है। वन वे भी आ रहे हैं, शाल आने पे आए। थोड़ा सबसे बड़ी बात ये है कि अंडर एज है। नहीं जी, तीन ऑफेंस है, एक वन वे, एक हेलमेट नहीं और दूसरा अंडर एज। तीन ऑफेंस, क्या होगा सर इनका? इनको फाइन करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट इनके पास आईडी कार्ड या वो नहीं होगा तो फिर इसको थाने में। अली आपका क्या नाम है? अली। अली आप भी अली, वो भी अली। अब अली अली को पढ़ के आप देखें क्या होता है। मुझे अली साहब आपकी एज क्या है? 16 साल। 16 साल के बच्चे को लाओ है, ड्राइविंग लाइसेंस बना आपका? नहीं। तो फिर क्यों चला रहे हो? बस वैसे ही। वैसे ही तो नहीं ना होता कुछ? इधर चीज लेने आए थे। दाता साहब आए थे, दाता साहब आए थे, सलाम करने आए थे बुजुर्गों के पास। हेलमेट तो पहनना था ना, तो भूल गए थे, घर पड़ा हुआ है। लेकिन अली साहब क्या होगा इनका? इनको एक कोर्ट, माइनर कोर्ट के अंदर ना 200 रुपया इनको फाइन करने लगे। नहीं चलती थी इसलिए मैंने बोल दिया। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। तो आप बाइक चला सकते हैं? नहीं। चले कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट हैं गाड़ी के? चले कोई बात नहीं। नहीं जी बच्चे हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को इतना भी नहीं पता कि गाड़ी के कागज़ क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन बुक का। किस बच्चे को नहीं पता है? मुझे पता है, मेरी गाड़ी है, मुझे पता है जी। तो फिर आप क्यों नहीं साथ लेके कैरी करें? आपकी एज क्या है? एज मेरी 19 साल है। आईडी कार्ड बनना दिया, 1 महीने के बाद आएगा ना। ये साहब चला रहे हैं, चलाने वाले की एज कम है मेरा भाई। यार मैं इधर से बस। सर क्या होगा इनका? सर गाड़ी बंद होगी। गाड़ी बंद होगी, चलें जी। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, हमारा काम ये नहीं है। उनका काम है कि उसको चलान करना है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। लोग बड़े इकट्ठे हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कितने को टीन एजर ड्राइवर हमें मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो टीन एज कम उम्र के बच्चे बाइक चलाते हैं, सही करते हैं? नहीं। क्या होता है इसका नुकसान? क्या है नुकसान? है कि भाई ज़्यादा चलाते हैं। अच्छा जी। लोगों को अवेयरनेस है इस चीज़ की, जो टीन एज बच्चे बाइक चलाते हैं किसी ना किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। वालदैन सारी उम्र रोते रह जाते हैं, और जो आंखें जिन आंखों से उन्हें रुखसत करते हैं वो आंखें सारी उम्र इस इंतजार में रहती हैं कि दरवाज़ा खड़केगा और उनका वही बच्चा वापस आएगा। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे कौन से हमें बच्चे मिलते हैं। इनको फिर वन वे के ऊपर रोका है, हेलमेट नहीं पहना हुआ और अंडर एज है। क्या एज है आपकी? 17 ईयर। आपकी क्या एज है? 18। क्या करते हो दोनों? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? मैं 9th में। आप? 9th में। आपको अलाउ है बाइक चलाना? नो। कागज है इसके पास? है। ड्राइविंग लाइसेंस बने? नो। आप अंडर 18 है ना? अंडर 18 को
बाइक चलाना गाड़ी चलाना जब अंडर 18 है नहीं अलाउ। आप क्यों चला रहे हैं, किस वजह से, कहाँ पे जा रहे थे आप? ये दरबार जाना है, ये बस ये दरबार पे, और यही दरबार पे जाते हुए रोड के ऊपर ही एक्सीडेंट होते हैं। अली साहब क्या हुआ इनका? लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग इनको बारहा दफ़ा ब्रीफिंग कर करके स्कूलों और कॉलेजेस में लेक्चर दे दे के थक गए हैं, लेकिन ये इस चीज़ को बॉदर नहीं करते। किसका कसूर है? ये इनके पेरेंट्स का कसूर है। नहीं जी, इनके पेरेंट्स का कसूर है। आपने बेटा हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है, वन वे भी आ रहे हैं, आपका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ वन वे, और नहीं इस तरह से आ रहा हूं मैं। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? कंपेन चल रही है, सर्दी से भी बचाता है ये, अपना कोरोना से भी बचाता है, डस्ट और हर किस्म के जो है रवाज में उससे बचाता है यार, आपकी सेफ्टी करता है हेलमेट। क्या बोल रहा है, क्यों नहीं पहना हेलमेट? बोल गया। एज क्या आपकी? एज क्या है? 16 इसके कागजात है मोटरसाइकिल के? किधर है घर? तो आप मोटरसाइकिल बेटा आप रोड पे हो, वो घर है, ये कोई चीजें मिलती तो नहीं ना? मैं भी घर ही जा रहा हूँ इधर से। तो यार ये फिर बाउंड कर देंगे हम थाने में, फिर आपके वालिदैन से एफिडेविट लेंगे, उनको बुलाएंगे थाने में। इनके घर से किसी को बुला लिया जाए, क्या ख्याल है? चले बुला लेते हैं। मैं अगली बार से ले आऊंगा। क्या लेके निकलो? चोरी लेके निकले हो सर? होता ये है कि ये मोस्टली घर से अपने बड़ों से चोरी। जी जी बताएं बताएं। नहीं पापा नहीं है मेरा, पापा नहीं घर पे, तो कॉल करो किसी को। आन पे उन्होंने नहीं आना, आएंगे तो क्या हो जाएगा, उन्हें पता तो लगेगा आपका बेटा क्या काम कर रहा है। हाँ बोलो क्या करना है आप? ले के निकलूंगा अगली बार। गाड़ी बाउंड कर दें या आपको टिकट दे दें? नहीं आप छोड़ नहीं सकते, आप हादसे का बाइस बन सकते हो यार। मैं घर जा रहा हूँ यहाँ से सीधा गया तो इसी, अगर इसी सिनेरियो में एक्सीडेंट हो गया तो फिर यहाँ से निकल जाओ, तुम रोड पे नहीं आ रहा यार। बेटा यहाँ से निकलो या वहाँ से निकलो, आना तो रोड पे है ना। जब रोड वो रोड थोड़ी है, रोड पे एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। आइंदा से ले के निकल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर इनको क्यों रोका है? हेलमेट नहीं पहना। हाँ जी हेलमेट नहीं पहना। तो भाई को छोड़ने जा रहा था यार मैं, तो छोड़ने तो जाना है, वापस भी तो घर जाना है ना, या घर वालों को वेट ही कराना है? बिल्कुल अभी बात ठीक है, लेकिन क्या भाई को जब हेलमेट पहन के जाएंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा? और फिर आपकी ये जो जब आप गाड़ी खरीदते ना, यहाँ लिखा हुआ बड़ा क्लियर कट हेलमेट पहने। इस्लामपुरे से आया हूँ बस। जो भी नई बाइक आती है उसके ऊपर स्टिकर के ऊपर बड़ा वाजे लिखा होता है हेलमेट पहने, वो आपकी सेफ्टी है। आपने 50,000-60,000 की बाइक ले ली है, 500-700 का हेलमेट लेते हुए परेशानी तो कोई नहीं है? सर मेरी मोटरसाइकिल भी नहीं है ना, मैं लड़का जो साथ है मेरे, मोटरसाइकिल भी अपनी नहीं है, एक और ऑफेंस निकला है। अरे भाई बाइक अपनी नहीं है तो जिससे बाइक मांगी थी साथ हेलमेट भी मांग लेते। 50,000 की बाइक दे दी है मेरे भाई को, 500-700 का हेलमेट भी दे देता हूँ। ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जो कंपेन है वो टीन एज ड्राइवर्स जो राइडर्स जो घरों से बाइक लेके निकलते हैं उन्हीं के खिलाफ नहीं। अभी अली साहब ने एक और काम किया है, एक टीन एजर रक्षा ड्राइवर पकड़ लिया है जो ना सिर्फ अपनी बल्कि 6 अदद सवारियों की लाइफ का भी रिस्क में डाल के चलता है और डेली चलता है। आइए उनसे बात करते हैं। अली साहब ब्रदर ये अंडर एज है अभी तो इसकी 17 years old, तो ये इसको अलाउ नहीं है, इसका आईडी कार्ड नहीं बना। अच्छा इसके वो प्रोसेस से गुजरना है फिर जाके कहीं इसका लाइसेंस बनना है। तो ये 6 लोगों को कमर्शियल गाड़ी है, 6 लोगों की जिंदगी दाग पे लगा के ये शहर का मेन सिटी एरिया जहाँ पे ये चल रहा है। तो बेटा क्या एज है आपकी? 17 साल। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा, आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा, क्या वजह है क्यों 6 लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है? मजबूरी आपकी जगह है, लेकिन इन लोगों की क्या मजबूरी है जो आपके साथ बाइक पे रक्षे पे बैठते हैं, उनकी लाइफ का कौन जिम्मेदार है? आपका तो आपकी तो बात मान ली, मजबूरी है कमाना है, लेकिन इन लोगों की ये कहाँ से रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के अगर खुदा ना खास इन्हें कुछ हो जाता है? तो कुछ नहीं होगा जब आराम से चलाएंगे तो। आराम से तो चिंची तो कभी आराम से नहीं चलती, चिंची में तो रेसें होती हैं। क्यों जी अली साहब? बिल्कुल ऐसी है ये, अब अपने अनपैटर्न तरीके से चलाते हैं, ना इसका कोई इंडिकेटर है, ना इनकी नंबर प्लेट है, ना इनके पास कोई हेलमेट पहना होता है, तो ये zigzag और ये किसी को रास्ता भी नहीं देते, ना अपनी लेन पे चलते हैं। तो ये लोग हादसे का बाइस जो है इस रोड के ऊपर मोटरसाइकिलिस्ट और चिंची रक्षाज हैं। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो मोस्टली एक्सीडेंट्स के ऊपर जो है ना हम लोग ओवरकम करते हैं। असूलन एक चलान मिलेगा, एक मेमोरी रहेगी सारी उम्र,
कि आइंदा चलाने वाला ये काम नहीं करना, आइंदा अंडर एज ड्राइविंग नहीं करनी। ये रवैया है, ये रवैया बहसियत कौम हम अपना चुके हैं। हम अदारों को तनकीद करते हैं, आपका हक है शायद, लेकिन हम खुद भी रूल्स को फॉलो नहीं करते। ज़रूरत इस अमर की है कि वालदैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अंडर एज टीन एज ड्राइवर को रोड पर आने नहीं देंगे, किसी मजबूरी को मजदूरी नहीं बनने देंगे। मुझे अपने मेज़बान उमर बख्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बार, तो फिर अल्लाह हाफिज़।